नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश बड़े से भारत देश के छोटे से गांव में एक किसान का बेटा। आज मेरा गांव बहुत खुशहाल और उन्नत है, लेकिन यह खुशहाली हमेशा से नहीं थी। मेरे गांव के लोग मुख्यतः कपास की पैदावार करते हैं और बहुत हद तक इस प्रकृति की मेहरबानी पर निर्भर है और कर्ज में डूबे हुए हैं। कभी तो आत्महत्या जैसी दिल दहलाने वाली घटनाएं भी घटी है, लेकिन वैज्ञानिकों की पुरजोश कोशिश और किसानों द्वारा अपनाए गए नवीन पद्धतियों के कारण आज यह गांव खुशहाल और उन्नत है। तो आइए मिलते हैं इसी गांव के किसान मोहन से और देखते हैं उसकी कहानी। अपनी फसल बेचने सेठ की दुकान पर जाते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है सेठ की दुकान पे। क्या उनकी फसल बिक पाएगी? क्या सेठ को उनकी फसल पसंद आएगी? चलिए देखते हैं। और ये उसमें काम करने वाला नौकर छोटू। वैसे तो इसका नाम राहुल है, पर आप देख ही सकते हो इसकी हरकतों से लोग इसे छोटू बुलाते हैं। खैर छोड़ो अब इसे। छोटू, ओ छोटू, सफाई हो गई? लो आ गए हो सेठ, अभी दिमाग खाएगो। आओ आओ सेठ, आओ आओ। और ये है किसान के सेठ एकदम खड़ूस। पर अब बेचारे गांव वाले करे भी क्या, इसी से लेन देन कर लेनी पड़ती है बेचारों को। खाना खाने का टाइम हो गया है छोटो।
मैं खाना खाने जा रहा हूँ, तुम दुकान का ध्यान रखना। हाँ हाँ ठीक है। अरे वाह शेठ तो गयो। अरे मारो मतलब जिमने गयो, अब मैं आराम करूं। ये भगवान, गाड़ी की चाबी तो दुकान में है, अभी जाता है। देखो तो सही, लोमड़ी जैसी शकल है और लोमड़ी जैसी शकल। देखो देखो चेहरे से कैसे दरिंदगी टपक रही है, दरिंदगी। एक नंबर का कंजूस है कंजूस। इसकी दुकान में इतने सालों से काम कर रहा हूँ, आज तक पगार ही नहीं बढ़ाई। बहुत सही, बहुत सही। जिस थाली में खाते हो उसी में छेद कर रहे हो। अरे अरे को शर्म कोनी, मैंने सोचा था दिवाली आ रही है, तुम्हारी पगार बढ़ाऊंगा। हर साल बोलता है पगार बढ़ाऊंगा पगार बढ़ाऊंगा, आज तक पगार ही नहीं बढ़ाई। क्या क्या बोला? कुछ नहीं जी, जी कुछ नहीं। तेरी जुर्रत तो देख, तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से मन तो करता है तुझे काम से ही निकाल। सेठ जी माफ करना, सेठ जी अगली बार से ऐसा नहीं होएगा। सेठ जी तब मारे को काम से ना निकालो। छोटू तेरा हर बार का यही नाटक है। सच्चू को सेठ जी अगली बार से ऐसा नहीं होगा। जा जाकर गोदाम साफ। अरे सेठ जी इस उम्र में इतना गुस्सा करना सेहत के लिए अच्छा को नहीं है। अरे सेठ जी नादान है, इसे नहीं पता आप कितने महान और अच्छे हैं। आपने कितने किसानों की मदद की है, मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। माफ करना सेठ जी, मुझे नहीं पता था कि आप। सब छोड़ो काम की बात करो, कितना फल कपास लाए हो इस बार? सेठ जी इस बार तो पूरा ट्रैक्टर भरकर कपास लाया है। इस बार भी एक ही ट्रैक्टर? कब बढ़ेगी तुम्हारी फसल? सेठ जी इस बार भी कीटों की वजह से फसल थोड़ी कम हुई है, लेकिन सेठ जी कपास बहुत बढ़िया है। अच्छा ऐसा है, लाओ फिर दिखाओ कपास। ये देखो सेठ जी, ऐसे ऊपर ऊपर से क्या दिखा रहे हो, पूरी बोरी लाकर दिखाओ ना। ये तो बहुत कड़क हुई है। देखा सेठ जी ये हमारी मेहनत का नतीजा है। हाँ तुम्हारी मेहनत का नतीजा ही ऐसा हो सकता है। सेठ जी रुई इतनी भी बुरी नहीं है। नहीं नहीं ये रुई तो बहुत ही बेकार है, मैं इसे नहीं खरीद सकता। सेठ जी हम सालों से अपनी फसल आपको ही बेचते आ रहे हैं, कभी किसी और से लेन देन ही नहीं की, आप कृपया करके हमारी फसल ले लीजिए। हाँ सेठ जी अब जब से आपके साथ धंधा किया है कोई और हमारी फसल लेता ही नहीं। मोहन अपने भाई को समझा दो, ज्यादा उछले नहीं वरना। सेठ जी इके माफ कर दो, मैं क्षमा मांगू हूँ, कृपया करके आप मेरी फसल ले लीजिए। देखो ऐसी फसल के तो मैं 200 रुपए से ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। सेठ जी कम से कम 300 रुपए दे दीजिए। 300 रुपए ऐसी फसल के तो कोई 150 भी ना दे। सेठ जी पूरे साल मेहनत करके हमने यह फसल तैयार की है, आप कृपया करके इसके उचित दाम दीजिए। मेहनत का क्या है, मेहनत तो गधा भी करता है, तो क्या उसे सर पर बिठा लेंगे? नहीं ना, मेहनत का सही परिणाम भी होना चाहिए। ये देखो तुम्हारी कपास, ना रंग के ठिकाने है और ना रुई की नरमता, ये पूरी कपास तो कीटों ने खा रखी। सेठ जी हम कितना भी कीटनाशक डाल दे कीटों पर उसका कोई असर ही नहीं होता, वह दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं, हम क्या करें, ये तो कुदरत की मार है। अरे भैया अब तो ऐसा करना पड़ेगा कि खेत को ढक कर रखना पड़ेगा, है ना सेठ जी? ए केशव अपनी मन बुद्धि तो अपने पास ही रख, मेरे काम में अपनी टांग मत अड़ा, तुझे भी दुनियादारी की समझ कहाँ है? केशव मैं बात कर रहा हूँ ना, तुम जाओ खेतों में जाके पानी छोड़ दो। या लेकिन जाओ केशव। सेठ जी इस बार कीटों ने ना सिर्फ मेरी फसल मेरी मेहनत भी बर्बाद कर दी है, सालों से अपनी फसल आपको ही बेचता आ रहा हूँ, कभी किसी और से लेन देन नहीं की, आप कृपया करके मिली फसल ले लीजिए। देखो मोहन मैंने अपने पुराने व्यापारिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए ही तुम्हें यह दाम दिया।
वरना ऐसी फसल के तो यह दाम भी ना मिले। अब अगर इस दाम में तुम्हें अपनी फसल मुझे देनी हो तो दो, वरना रखो अपनी फसल। लेकिन सेठ जी, नहीं, जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे कीटों वाली कपास लेकर जाओ। चाबी भी मिल गई। छोटू, अरे ओ छोटू। हाँ सेठ जी। मैं जा रहा हूँ, दुकान का ध्यान रखना। ठीक है सेठ जी। मोहन बेचारा अपनी फसल नहीं बेच पाता, वह दुखी होकर अपने घर वापस लौट जाता है। लेकिन बाजार में तो कोई हमारी फसल ही लेने को तैयार नहीं। क्या करूं? हाँ नंदिनी, नंदिनी दीदी, नंदिनी दीदी तो एक कृषि वैज्ञानिक है, और जहां तक मुझे पता है कृषि वैज्ञानिक तो खेती बाड़ी और कृषि के संबंधित जितनी भी समस्या होती है उनका समाधान निकालते हैं। उनके पास इसका कोई ना कोई उपाय तो जरूर होगा। अरे भैया, मेरे पास इस समस्या का एक उपाय है। क्या उपाय? आपको याद है नंदिनी दीदी? कौन नंदिनी? अरे घनश्याम काका की लड़की नंदिनी दीदी, जो शहर में एक कृषि अनुसंधान संस्थान में वैज्ञानिक है। उन्हें इसके बारे में तो जरूर ज्ञान होगा। मैं अभी उनको फोन लगाता हूँ। हेलो। हेलो, हाँ नमस्ते दीदी। कौन बात कर रहा है? दीदी मैं गांव से केशव बोल रहा हूँ। अच्छा केशव, बताओ कैसे फोन किया? अरे क्या बताए दीदी, इस साल भी हमारी पूरी फसल तो कीटों की वजह से बर्बाद हो गई है, तो मुझे लगा आपके पास इसका कोई ना कोई उपाय तो जरूर होगा, तो क्या आप हमारी मदद कर सकती हैं? हाँ केशव जरूर। एक काम करो, तुम शहर आ जाओ। शहर? हाँ। अच्छा ठीक है दीदी, हम आ जाएंगे। राधे राधे। राधे राधे। अरे भैया, दीदी ने तो शहर का कहा है। शहर? हाँ। एक काम करते हैं, कल सुबह ही शहर चले जाते हैं। हाँ चलो कल सुबह ही शहर चले जाते हैं। मोहन और केशव नंदिनी दीदी से मिलने शहर में प्रयोगशाला की ओर जाते हैं। तो चलिए चलिए देखते हैं प्रयोगशाला की। देखो ये कितनी आधुनिक प्रयोगशाला है, और नंदिनी दीदी इधर ही है। अरे देखो दोनों भाई भी आ गए, तो चलो सुनते हैं इनकी वार्तालाप। राधे राधे। राधे राधे दीदी। अरे राधे राधे काका, राधे राधे किशन, आप दोनों आराम से बैठ जाइए। अब बताइए क्या समस्या थी? अरे बिटिया, बताया तो था इस बार भी कीटों ने पूरी फसल नष्ट कर दी है। काका आप ना निश्चिंत हो जाइए, कृषि के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए ना बहुत सारी तकनीकें,
जैसे प्लांट ब्रीडिंग, हाइब्रिडाइजेशन, बीटी। अरे दीदी, ये कैसी बला का नाम है? माफ करना, मैं थोड़ी सरल भाषा में समझाती हूँ। पहली है प्लांट ब्रीडिंग, अर्थात पादप प्रजनन। पादप प्रजनन द्वारा पौधों की नई किस्मों का विकास होता है। अब दूसरी है संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। इसमें दो पौधों को मिलाकर एक नया पौधा बनाया जाता है। इसके लाभ ये है कि इससे नई प्रजाति का निर्माण होता है। अब तीसरी है बीटी। ये टीटी नहीं गए होवे केशव, सारे को मालूम टीटी गए होवे? हाँ मालूम है ना भैया, टीटी तो वही ना जो ट्रेन में टिकट काटे है। अरे काका और केशव, ये वो टीटी नहीं है, ये बीटी है। एक जीवाणु का नाम है जिसे हम संक्षिप्त रूप में बीटी कहते हैं। इसका नाम है बैसिलियस थिनरेंजेंसिस। हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमारी प्रकृति में अनेक प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं, जिनमें से एक है बैसिलियस थिनरेंजेंसिस। इसमें एक विशेष प्रकार का जीन पाया जाता है। ये विशेष प्रकार का जीन एक विशेष प्रकार के पदार्थ को उत्पन्न करता है। अगर कोई कपास का कीट इस पदार्थ को खा लेता है तो वे मर जाता है। तकनीकों द्वारा इसी जीन को कपास के पौधे में डाल दिया गया है, जिससे अब अगर कोई भी कपास का कीट इस पौधे को खाएगा तो वे मर जाएंगे। हाल फिलहाल देखा जाए तो बीटी एक वैकल्पिक उपाय है, ये हमारा भविष्य नहीं है। तो बीटी, इसके लाभ क्या है? लाभ तो बहुत है। अब बताओ कि हम पहले के समय में कैसे खेती किया करते थे? गोबर की खाद और नीम को कीटनाशकों की तरह। बिल्कुल सही कहा, हमें आज भी इन्हीं तरीकों की जरूरत है, लेकिन हर तरीके की अपनी एक मर्यादा होती है। जब जनसंख्या कम थी तब ये तरीके बड़े लाभदायक थे, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, अनाज की मांग भी बढ़ती जा रही है। इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए हम मजबूर हैं रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं। ये रासायनिक पदार्थ अच्छे तो हैं, लेकिन कैंसर और अन्य घातक बीमारी का शिकार भी यही बना देते हैं। इसीलिए हम पुराने तौर तरीकों को फिर से उपयोग में ला रहे हैं, लेकिन और प्रभावशाली रूप में। इसे कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, अर्थात जैविक खेती। एक ओर है बढ़ती जनसंख्या की समस्या, तो दूसरी ओर है हमारी कृषि भूमि, जो शहरीकरण और उद्योगीकरण के कारण कम होती जा रही है। एक और बात सामने आई है कि मांसाहारी लोग अब धीरे धीरे शाकाहार की ओर बढ़ते जा रहे हैं। ये बात अच्छी तो है, लेकिन आने वाले समय में इसके लिए उत्पादकता को और बढ़ाना पड़ेगा। अरे बिटिया, ये कीट जो हुए है ना, बड़े बेशरम हुए हैं। इन्होंने कीटनाशक से प्रतिरोध प्राप्त कर लिया, क्या ये बीटी से प्रतिरोध प्राप्त कर लेंगे? ये समस्या भी हो सकती है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसके लिए भी बढ़िया सी तकनीक सुझाई है, जिसका नाम है रिफ्यूज तकनीक। रिफ्यूज तकनीक में बीटी बीजों के चारों ओर गैर बीटी बीजों की एक पट्टी की आवश्यकता हो, कुछ इस तरह, जिससे कीट और कीड़े हमारी बीटी बीज की फसल से दूर रहेंगे। और जैसा हमें बताया गया है, इन गैर बीटी बीजों पर कीटनाशकों का उपयोग किया जा सकता है। गैर बीटी बीज अर्थात कोई भी ऐसे बीज जो बीटी वाले नहीं। तो दीदी, आपने ये सब तरीके तो बता दिए, लेकिन हमारी जो समस्या है उसके अनुसार हमें किसका प्रयोग करना चाहिए? जैसा कि मैंने बताया कि बीटी एक वैकल्पिक उपाय है, ये हमारा भविष्य नहीं है, तो फिलहाल के लिए तो इसका उपयोग करना बेहतर रहेगा। क्या ये बीटी बीज महंगे हैं? हाँ का, ये बीज महंगे तो हैं, लेकिन अगर पूरे वर्ष के हुए हुए नुकसान से हम इसकी तुलना करें तो इनका उपयोग करना ही बेहतर है, क्योंकि ये 30-40% कीटनाशकों का उपयोग कम करवा देते हैं, 50% उत्पादक क्षमता बढ़ा देते हैं, तो अभी फिलहाल के लिए इनका उपयोग करना ही बेहतर है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने जीन को कपास के पौधे में डाला, जिससे अब अगर कोई भी कीट या कीड़ा इस कपास के पौधे को खाएगा तो वे मर जाएगा। यानी ये कपास का पौधा यहाँ क्या कर रहा है?
या हम ये भी कह सकते हैं कि कीटों को नियंत्रण कर रहा है, इसीलिए अब ये कपास का पौधा एक जैविक नियंत्रक कहलाएगा, या अंग्रेजी में कहा जाए तो बायो कंट्रोल एजेंट कहा जाएगा। लेकिन मैं एक और ही संभावना के बारे में विचार कर रही हूँ कि अगर तकनीकों द्वारा हम किसी पौधे को जैविक नियंत्रक बना सकते हैं तो क्यों ना हम किसी कीट को ही जैविक नियंत्रक बना दें, जो फसल को नुकसान पहुंचाने वाले उन सारे कीटों को अपने आप ही खा लेगा। अरे वाह दीदी, ये तो ऐसा ही हो गया ना कि कीट कीट को भी खा जाएगा और किसान उन्नत हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा, लेकिन मेरे हिसाब से आप सभी के दिमाग में एक प्रश्न उमड़ रहा होगा, ये होगा कैसे? ये बायोटेक्नोलॉजी से संभव है। बायोटेक्नोलॉजी, ये बायोटेक्नोलॉजी को हिंदी में कहते हैं जैव प्रौद्योगिकी, जिसमें जीव या जीव से उत्पन्न होने वाले पदार्थों से हम नए उत्पादों को बनाते हैं या उसमें सुधार लाते हैं। अरे पापा, आपने उस बीमारी का नाम तो सुना ही होगा, डायबिटीज। हाँ बिटिया, बहुत सुना है। तो वो भी देखा होगा कि इसके मरीज एक इंजेक्शन लेते हैं, ये इंजेक्शन भी बायोटेक्नोलॉजी से ही बनी गई। आशा करती हूँ कि आपको ये सारे तरीके समझ में आए होंगे। धन्यवाद बिटिया, तुमने बहुत अच्छा समझाया। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी शक हो तो आप फोन कर सकते हैं या यहाँ पर वापस भी आ सकते हैं। राधे 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 दीदी। अरे वाह, नंदिनी दीदी ने कितनी विस्तृत जानकारी दी, इतना सब तो मुझे भी नहीं पता था। अब मोहन और केशव अपने गांव वापस लौटकर बीटी बीजों का इस्तेमाल शुरू करते, क्या उनकी फसल इस नई तकनीक से कीटों से मुक्त रहेगी? चलिए उनके साथ गांव चलते हैं देखने। यही तकनीक सबसे बेहतर है। उन वैज्ञानिकों को चार दीवारी के अंदर बैठकर खेतीबाड़ी के बारे में क्या पता चलेगा? छोड़ो, मुझे भैंस के आगे बीन नहीं बतानी। चल छोटू, मारने तो इनको अपनी बीड़ी के साथ अपना माठा, देखते हैं कि नई तकनीक क्या बोलती है। अरे छोटू, कहाँ रह गया? चल आता हूँ शिव जी। केशव, अगर ये डीटी बीज ने काम नहीं किया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। अरे भैया, चिंता क्यों करते हो? और वैसे भी इतने सालों से हम नुकसान ही तो उठाते आ रहे हैं, एक बार इसका उपयोग करके देखते हैं, क्या पता हमें लाभ मिल जाए। चिंता मत करो भैया, उम्मीद रखो, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। मुझे काम याद आया, मैं अभी करके आता हूँ। मोहन ने बीटी बीजों का इस्तेमाल शुरू तो कर दिया, पर वह अभी भी नकारात्मक विचारों में उलझा हुआ है। उसे दुनिया वालों के ताने और आलोचनाएं सुनाई दे रहे हैं। अरे अब अगर ये सब काम नहीं करेगा तो घर कैसे चलाएगा? भीख मांगे। वैज्ञानिकों की बातों में आ गया, अब बेचारा ना घर का रहा ना घाट का। अगर ये बीटी ने काम नहीं किया तो क्या वो वैज्ञानिक किसके जिम्मेदार उठाएंगे? अगर ये सब काम नहीं आएगा तो मोहन तो सड़क पर ही आ जाएगा, बेघर हो जाएगा बेचारा। मोहन का डर कुछ हद तक तो सही है, लेकिन केशव आशावादी है,
उसे पूरा भरोसा है कि इस साल फसल अच्छी ही होगी। तो चलिए देखते हैं कुछ महीनों बाद की परिस्थिति। फसल तो बहुत अच्छी हुई है। हाँ भैया, वाकई में इस साल तो फसल बहुत ज्यादा अच्छी हुई है। हम हमारा कर्जा भी उतार पाएंगे और तेरी भाभी के कंगन जो गिरवी रखे हैं वो भी छुड़वा देंगे। हाँ। है? मैं नहीं मानता, नहीं मानता। अरे शेठ जी, मुंह बंद कर लो, मच्छर घुस जाएगो। हाँ पीछे छोटू, मैंने कहा था ना ये नई तकनीक का उपयोग करके फसल बहुत अच्छी होगी, है ना मोहन? वासी जी, आप तो मान हो। लेकिन भैया, सेठ जी तो कुछ और ही बोल रहे हो तो ना? हाँ, ये मेरे भाई केशव, मैं तो मजाक कर रहा था। अब तेरे साथ मजाक नहीं करूंगा तो किसके साथ करूंगा? और ये देख, फसल कितनी अच्छी हुई है। और वाकई ऐसी फसल तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। इस बार तो मैं ऐसी फसल के मुंह बोले दान देने को तैयार हूँ। अरे भैया सुना? हाँ, किसान उन्नत होंगे तो गांव उन्नत होगा, गांव उन्नत होगा तो देश उन्नत होगा। सही बात है। आपने देखा कैसे नंदिनी से मिलने और केशव के समझाने पर मोहन ने जैव तकनीक अपनाकर फसल की पैदावार करी। इससे उसकी फसल पूरी तरह से कीटों से मुक्त रही। मोहन ना सिर्फ अपना पूरा कर्ज चुका पाया बल्कि उसने आर्थिक प्रगति भी करी। और इस गांव के अन्य कई किसानों ने भी मोहन की राह अपनाई और आज मेरा पूरा गांव खुशहाल और निरंतर प्रगति भी कर रहा है। सही कहा सत्य प्रकाश, आज जरूरत है तो किसान मित्रों को शिक्षित करने की, कृषि में उपयोगी तकनीकों की जानकारी देने, जिससे वे उत्पादन को बढ़ा सके और ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सके। चुनौतियाँ अनेक है पर समाधान भी संभव है। आज समय की मांग भी यही है कि कृषि के क्षेत्र में उन्नति करने के लिए नवीन तकनीकों को अपनाया जाए और न सिर्फ कृषि अपितु इसकी सतत चुनौतियों को दूर कर इसके लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। इसमें कोई शक नहीं, बदलती जलवायु परिस्थिति और बढ़ती हुई जनसंख्या जैसी चुनौतियों के बावजूद भी कृषि क्षेत्र का भविष्य उज्जवल है और बहुत हद तक सुरक्षित जैव तकनीकों पर ही आधारित है। इनसे हम वह सब पा सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं। उन्नत किसान, उन्नत देश। जय विज्ञान, जय किसान, जय हो मेरा हिंदुस्तान।